चर्चा कुछ शाहीन बाग की करते हैं, कुछ अपनी मैं टिप्पणियां करूंगा, उसके बाद फिर आपके जो सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। तो शाहीन बाग अब दिल्ली का एक मोहल्ला नहीं है, शाहीन बाग एक भूगोल का टुकड़ा नहीं है, शाहीन बाग एक विचार है जहां भारत के झंडे और भारत के संविधान का कवर है और भारत के तोड़ने वालों को मंच दिया जाता है, जहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग पीछे खड़े रहते हैं, जहां पर मासूम बच्चों की मासूमियत को छलावा देते हुए उनसे प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जाता है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है, गृहमंत्री जी ने कहा है, हम लोगों ने कहा है, केंद्रीय पार्टी ने कहा है, दिल्ली प्रदेश पार्टी ने कहा है, सबको विरोध करने का अधिकार है, ये बात कही है, ये लोकतंत्र है। लेकिन ये विरोध विरोध के लिए नहीं है, ये विरोध मोदी विरोध है, नरेंद्र मोदी जी का विरोध है। बार बार हमने बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम न किसी की नागरिकता छीनता है न किसी को देता है। इस देश के मुस्लिम सहित इस देश का हर मुस्लिम नागरिक इज्जत के साथ इस मुल्क में रहता है और रहेगा। एक क्लॉज नहीं बताया गया कि हमको इस क्लॉज से आपत्ति है, एक धारा नहीं बताई गई। बार बार हम कहते हैं बताओ तुम्हें किस धारा से आपत्ति है। अब आप कहते हैं लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में संसद ने दोनों सदनों में बहस करके इसे पारित किया, मीनाक्षी जी प्रेजाइडिंग चेयरपर्सन भी हैं, एक बार वो भी बैठी थी जब बहस हो रही थी, खुलकर बहस हुई, एक एक दिन दोनों सदनों में बहस हुई, लोगों ने बकायदे वोटिंग मांगा, वोटिंग भी हुई और ये पास हुआ। आप इससे संतुष्ट नहीं हुए, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, आपकी तरफ से लोग चले गए, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया है और कहा है कि भारत सरकार 4 हफ्ते में जवाब दे। तो लोकतंत्र की जितनी प्रक्रिया है वो सबका अनुपालन हुआ, फिर भी आप धरने पर हैं और आप बैठे हुए हैं, बच्चों को स्कूल जाने नहीं देते, बीमार लोग का एम्बुलेंस निकलने नहीं देते, क्या मतलब है इसका? ये है बड़े सवाल। तो मतलब ये है कुछ लोग साइलेंट मेजॉरिटी को दबा रहे हैं। शाहीन बाग इज इमर्जिंग एज ए टेक्स्ट बुक केस ऑफ फ्यू हंड्रेड पीपल सीकिंग टू सप्रेस द पीसफुल मेजॉरिटी। ये है शाहीन बाग का सही चेहरा और देश के सामने आना बहुत जरूरी है।